बताएं सर आपकी परेशानी। अच्छा डोडा में ग्रेजुअली हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, आपकी पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और जो हमारे पास केसेस सामने आ रहे हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। लॉकडाउन भी ईज़ हुआ है, उसकी वजह से कोई ऐसी ट्रेंड्स नेगेटिव ट्रेंड्स अभी नहीं आए हैं कोई ऐसा। कोशिश की जा रही है कि एनफोर्समेंट सही तरीके से चले और आज की डेट में हमारे पास 1029 केसेस हैं जो एक्टिव हैं। लास्ट टाइम जब 2-3 पहले ब्रीफिंग हुई थी तब ये 1097 केसेस थे, तो इसका मतलब अभी एक ट्रेंड ऐसा शुरू हो रहा है कि जिसमें हमारे पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं और जो रिलीज़ हो रहे हैं लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं उन लोगों का नंबर ज़्यादा नंबर है। इसके अलावा हमारे पास विद इन अ वीक ईरा एजेंसी गंदों में स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का सिविल वर्क, और सिमिलरली होपफुली विद इन अ वीक आपका डोडा में भी अनदर 750 LPM का प्लांट की भी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इन एडिशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है। हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन जितने अच्छे तरीके से हो सके वो चल रही है। आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट रैड टेस्ट भी वहाँ पर शुरू होना कर दिया गया है। वहाँ के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आशा वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, कई ट्रेन हो चुके हैं और पिछले 2 दिनों में 500 से ऊपर रैड टेस्ट जो है वो कोविड केयर सेंटर्स पे हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैक्सीनेशन का हमारा 45 से ऊपर की जो परसेंटेज है वो 69 क्रॉस कर गई है और हमारी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो रही है वैक्सीनेशन में 45 से ऊपर की। और इसके अलावा फील्ड में जो हमारे रिलैक्सेशन चल रही है उसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन अभी फर्दर जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करने की कोई ऐसी कोई अभी हमारे नहीं है, इसी तरह का चलता रहेगा। होपफुली इसी तरह के इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगे आने वाले दिनों में और हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन और बेहतर हो सके। इस समय 5 के करीब करीब हमारा पॉजिटिविटी रेट चल रहा है जो कि पीछे से कम हुआ है, तो होपफुली आने वाले दिनों में इससे भी और बेटर होगा और बेटर एनफोर्समेंट। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बिल्कुल ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीज़ खुलेगी क्या क्या नहीं खुलेगी और पुलिस को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अगर कोई ऐसी जगह पे कोई नोटिस में मेरी आया है मैं जनरली भी और स्पेसिफिकली उनको फिर मैं इंस्ट्रक्ट करूँगा कि ये चीज़ें ऐसा ना हो कि थोड़ी लापरवाही हो या थोड़ी ढील देने से वापस सिचुएशन हमारी ख़राब हो जाए। सर में लगभग 2-3 हज़ार लोग रहते हैं और बहुत गंदा पानी पी रहे हैं पिछले एक साल से, और 6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जिसमें जितेंद्र सिंह की जिन्होंने पाइपलाइन सेक्शन की थी वहां से वो वापस आ गई है घोड़ा के लिए, एक साल वहां पर रहने के बाद बिल्कुल फेल हो गया, वहां से लोग गंदा पानी पी रहे हैं और टाइफाइड हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, किसी को स्टोन हो रहा है, क्या हो रहा है डोडा में भी कंडीशन है। मेरे पास ये पर्टिकुलर जो कलहोता की बात की है मुझे कल एक मैसेज आया था तो उसकी मैंने इंक्वायरी इनिशिएट करा हूँ। फर्स्ट तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने सीख की है कि क्या सिचुएशन है क्या कहा गया है, तो अगर उसमें कुछ पाया जाता है तो विल गेट इट कंडक्टेड इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से पता कंडक्ट करें। वैक्सीन का हमारा स्टेटस पिछले कोई 1 महीने से ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर 49 एक फिगर था हमारा, आज 69 के करीब है, 20% इम्प्रूव हुआ है। कुछ एरियाज़ में हमारे पास घट में कम है, बाकी जगहों में काफ़ी हमारा 75-80% से ऊपर है 4 ब्लॉक्स में। घट में मैं देख रहा हूँ घट में कोई 49 के करीब है इस समय, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज रिड्यूस हो रही है। तो जनरली रिव्यूज़ तो मैं करता हूँ, स्पेसिफिकली घट का आने वाले 1-2 दिन में मैं कंसर्न BMO और कंसर्न जो टीम है उनकी फील्ड टीम की और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या और भी कोई मौजूद लोगों के साथ बैठ के देखेंगे कि क्या वजह है कि वहाँ पे क्यों कम है, तो उसके लिए मेजर लेंगे ताकि उस एरिया में इंक्रीज हो जाए तो ओवरऑल हमारी परसेंटेज भी। बहुत सारी बुक्स की शॉप जो है नॉन एसेंशियल में डाल दी गई, कम से कम उनकी टाइमिंग जो है खुली नहीं रहती, लोग आते हैं बहुत दूर से बुक्स वगैरह लेने, बहुत सारी चीज़ें लेने, उनकी दुकानें भी टाइमिंग खुल रही है, कम से कम टाइमिंग थोड़ा सा देख जाए कि किस तरह का टाइमिंग आता है। मतलब कि टाइमिंग है ना, मतलब मंडे या ट्यूजडे को खुलेगी, कम से कम 5 दिन कंटिन्यू खुली रहे वो बुक्स वाली शॉप ताकि बच्चों को भी परेशानी ना आए।
इस तरह का ऑर्डर जारी किया जाए कि 5 दिन खुली रहेगी, चलो जो वीकेंड लॉकडाउन लगता है उसमें देख लेते हैं। इस वीकेंड पे हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है, क्या किसी शॉप्स को और एक्सटेंड करने की जरूरत तो नहीं है, तो उसमें थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये बुक शॉप पे भी। 18 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको कब वैक्सीनेशन प्रोवाइड होगी? उनका अभी डोडा में तो नहीं है, क्योंकि अब जिन फेजेज में शुरू हुई है, दो जिलों में जम्मू श्रीनगर में हुई है, 4 जिलों में बाकी हुई है, और उसके बाद बाकी ज़िलों में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें बेसिकली कुछ क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन कोई कंपैरेटिवली ख़राब हुई है, तो उसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो अभी बाकी ज़िलों में जो बाकी रह गए हैं और हमारे ज़िलों में भी प्रायोरिटी ग्रुप्स की लिस्ट वगैरह फाइनल हो रही है। तो सर वो लिस्ट भी एक जारी की गई थी कि जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनको पहले लगाया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं प्रोसेस में हुआ, उसकी क्या? वो मैं देखूँगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपका उधमपुर में एक बार सेटअप हुआ था, तो अभी तो हमारी लिस्टें बाकियों के साथ प्रायोरिटी ग्रुप में इनको कहा गया है बनाने के लिए। वो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट का है, शॉपिंग का है, म्यूनसिपलिटी वालों का है, उनकी लिस्टें बन रही, उन्हीं के साथ आपका भी जरूर बनेगा। तो जो केसेस यहाँ देखने को हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, कभी 70 केसेस 100 से भी ऊपर चले गए, तो कितने परसेंटेज की सुधार डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमें मिली? एक जो फिगर्स होती है ना कि 70 हैं 80 हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी टेस्टिंग कितनी है। हम टेस्टिंग डबल कर दें तो केसेस भी अगर सेम पॉजिटिविटी पे हैं तो केसेस भी डबल हो जाएंगे, लेकिन असली आंकड़ा हमारा है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी परसेंटेज वो होती है कि कितने टेस्ट हुए, उसमें से कितने लोग कितनी परसेंटेज पॉजिटिव आए। तो हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं सेम टेस्टिंग पे, और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। अभी पिछले दिनों 8 पे पहुँच गया था, 10 पे पहुँच गया था, फिर लास्ट 3 डेज में कोई किसी में 4.6 है, 5.5 है, 6.1 है, इस तरह की फिगर आ रही है। तो ट्रेंड्स यही है कि रिड्यूस हो रहा है। सर एक और बात, भदरवा में बड़ा एग्रेसिवली वो टेस्टिंग कर रहे हैं, लोगों को बाजार में पकड़ पकड़ के, किस हद तक वो सही है? क्योंकि काफी लोगों के फोन हमें आते हैं कि हम मेंटल हरास हो जाते हैं इससे, जिनको पॉजिटिव नहीं भी होता है वो डर के मारे पॉजिटिव आना शुरू। ऐसा नहीं है, पकड़ पकड़ के वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा कोशिश यही है कि फोर्सिबली ये नहीं करना है। अगर फोर्सिबली करना होता तो बड़े सारे मेजर्स ऐसे थे कि हम ले सकते थे, तो वो फोर्सिबली बात नहीं है, लेकिन जितना परस्यू और परसुएड लोगों को कर सकें हम, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कई चीज़ें क्या है कि जहन में नहीं आती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी सेहत के लिए, वो बाद में पता चलता है। और कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन भी कई वीडियोज़ में आता है, आजकल सोशल मीडिया इतना है, लेकिन अनकन्फर्म चीज़ें लोगों के जहन में घर कर जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में जाके दिक्कत आती है। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के जहन से ये चीज़ निकले, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है फाइट करने के लिए होती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी नहीं डेवलप हुई होती कि वो उस चीज़ से फाइट करे, उसके लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी बाकी जो आम चीज़ें हैं, छोटा सा बुखार है, छोटा सा वायरल है, वो बॉडी की इतनी कैपेसिटी है कि खुद से फाइट करे, खुद से नहीं फाइट करे तो नॉर्मली मेडिसिन से करे, लेकिन इस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम डीसी डोडा तक एक मैसेज पहुंचाना है कि कम से कम हमारे इलाकों में भी दौरा लगाना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्लॉक है जैसे मरमत आ गया, देसा साइड आ गया, गुंदना आ गया, इन एरियो में भी आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ की ग्रीवेंस लोगों की सुनी जाए, बिल्कुल, ताकि साथ में जो ब्यूटी है यहाँ की, नेचुरल या पिकनिक स्पॉट है, उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले। बिल्कुल ये रहेगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। पहले शुरू में जब मैं आया था तब भी सिचुएशन ठीक थी, तो हमने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था विज़िट करना, डोडा के अराउंड विज़िट किया था, भद्रवाह का टूर था, लेकिन जब तीसरा टूर गंदो या थाटरी का नेक्स्ट आना था तब ये सिचुएशन ख़राब हो गई। तो हमारे ब्लॉक दिवस जो हर वेंसडे को होते थे वो बंद हो गए थोड़ी देर के लिए। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से हालात इम्प्रूव हो रहे हैं और इम्प्रूव बाय ग्रेस ऑफ गॉड इम्प्रूव होने चाहिए, तो जल्दी ही वो फिर से शुरू सिस्टम हो सकते हैं जो हम ब्लॉक दिवस करते थे। उन ब्लॉक दिवस में क्या होता है कि बाकी जगह तो लोग जाते ही हैं, एज डिप्टी कमिश्नर भी मैं भी उस टाइम कम से कम बुधवार को ज़रूर किसी ना किसी इलाके का दौरा करता है, उससे क्या है रूटीन बन जाती है। तो कम से कम हफ्ते में एक, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में एक दो बार जो दूर दराज के एरियाज में उनमें ज़रूर जाया जाएगा। दूसरा इशू था, कुछ 2 दिन पहले जो है वो पुलिस जो है वो चालान कर रही थी मास्क 500 रुपये पर पर्सन। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो 500 रुपये पर पर्सन से जो लोग लेबरर्स हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, ये जो दिन में 500 कमाते हैं वो 1 घंटे में उनका चला जाता है, तो थोड़ा सा कम अगर देखिए करना भी है तो 100-200 तक। देखिए चालान करना, मैं तो कहता हूँ FIR लगनी चाहिए और अंदर होना चाहिए, क्रिमिनल केस है अगर लोग
पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, मास्क तो अफोर्ड कर सकते हैं, मास्क यहाँ फ्री में भी दिए जा सकते हैं, मास्क की कीमत 500 नहीं है, तो वो मुझे नहीं जस्टिफाई लगता कि वो ऐसी चीज़ है। वो फाइन इसीलिए रखे जाते हैं कम से कम ये करें, अगर हम उसको रिलैक्स करें इसका मतलब हम भी किसी तरीके से उनके सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, चीज़ें रिलैक्स हो रहे हैं। मैंने तो बड़ी पिछले 3-4 दिन से मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, हमारी फ़ाइन काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी भी उस जगह नहीं पहुँचा जिस जगह पहुँचना चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कि लोगों को तंग करना, पॉइंट ये है उनके अंदर एक हैबिट डालनी, जो चीज़ लोग बिना मास्क, काफ़ी लोग मास्क के साथ घूमते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा गाड़ियों में बैठे होते हैं, अच्छी है, लेकिन कई लोग जो है वो बिना मास्क के घूमते हैं, फिर एग्जाम्पलरी उनको कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। आखिर में क्या डोडा के लोगों को अपील करूँगा? डोडा के लोगों को फिर अपील यही करूँगा कि अभी पोजिशन इम्प्रूव हो रही है लेकिन इसको कॉम्प्लेसेंसी में आना नहीं है, उसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट ईयर हुआ था, जिस तरीके से अभी हमारा सिस्टम हुआ था, आप सावधानी बरतें, मास्क पहन के चलें, बड़ा कम है मार्केट में आए, मार्केट में जब ज़रूरत हो तभी आएँ, और सोशल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इकट्ठे होंगे तभी ये बढ़ेगा। थैंक यू।